चलिए बात करते हैं राकेश बावट की और उनकी क्वालिटीज की। हेलो एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, राकेश बावट की क्वालिटीज की बात करते हैं और साथ ही ये भी बात करेंगे कि किन वजहों से वो बन सकते हैं बिग बॉस OTT के विनर। सो गाइस, राकेश बावट का जो नेचर है बहुत ज़्यादा कंजर्व नेचर है, वो एकदम से खुल के नहीं आते। लेकिन अब जो हमने राकेश बावट का एक फन वाला नेचर देखा और जिस तरीके से वो लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो वाकई में काफ़ी तारीफ वाला था। और पेशेंस बहुत है। जी हाँ, बात करें राकेश बावट की तो उनमें पेशेंस बहुत है, अपने लोगों को जम के सपोर्ट करते हुए भी नजर आए हैं, अपनी प्रायोरिटीज को उन्होंने ध्यान में रखते हुए अपने सारे काम किए हैं। बात करें उनकी ड्यूटीज की तो घर की हर एक ड्यूटीज उन्होंने बखूबी तरीके से निभाई है, अपने कनेक्शन का साथ जो है वो लगातार दिया है, नहीं छोड़ा है। वहीं फिर बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि राकेश बावट जो हैं बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि राकेश बावट बोलते हैं और वो सही जगह पर सही पॉइंट अपना रखते हुए नजर आए हैं बिग बॉस के OTT प्लेटफॉर्म पर। फाइनलिस्ट बन गए हैं राकेश बावट, चांसेस हैं कि वो भी जीत सकते हैं बिग बॉस की OTT ट्रॉफी। आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।